सो है एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीआईवाई न्यूज। दोस्तों, सीरियल गुमे किसी के प्यार में ईशान ने सुन लिया है निशिकांत और राव साहिब की पूरी बातें। ईशान के सामने आ गया है सच, कब और कैसे आगे आपको बताऊंगा। लेकिन आगे देखने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को यार सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, राव साहेब ने सभी की टपरी पर जाकर उसकी बहुत ज्यादा बेइज्जती की, उसकी चाय को भी फेंक दिया और ना जाने सभी को क्या क्या बोला। सभी की इतनी ज्यादा बेइज्जती की कि इनके जाने के बाद सभी जोर जोर से रो रही है। इसके बाद निशिकांत और राव साहेब अपने कैबिन में जाकर बात कर रहे होते हैं कि जेकॉफ और उसके दोस्तों को और पैसे दे दो ताकि इस समय वो यहाँ पर ना आए और वो इस शहर से दूर ही रहे। निशिकांत कहता है कि राव साहेब आप उनका टेंशन मत लो, मैंने उनको इतने पैसे दिए है कि वो इस शहर में सालों तक नहीं आएंगे। निशिकांत कहता है कि राव साहेब आपने उसे फंसाने का बहुत ही गजब प्लान बनाया था और ये हमारा प्लान कामयाब भी हो गया और बहुत जल्द जो है इस लड़की को हम इस शहर से भी बाहर फेंक देंगे। और दोस्तों, यहाँ पर इनकी ये सारी बातें जो है ईशान बाहर दरवाजे पर छुपकर सुन लेता है। निशिकांत और राव साहेब को ये बात पता ही नहीं है कि ईशान बाहर खड़े रहकर ये सारी बातें सुन रहा है। राव साहेब कहता है कि इस बार मैं इस लड़की को ऐसा बदनाम करूंगा, ऐसी इज्जत उछालूंगा कि इसके बाद वो शर्म से पानी पानी हो जाएंगी, वो इस शहर में भी नहीं रहेंगी और उसे बचाने वाला भी कोई नहीं है, क्योंकि ईशान भी अब हमारी ही बातें सुनता है, अब उसे उस लड़की पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है और हमारी बातों में आकर वो बहुत जल्द उस लड़की को डिवोर्स भी दे देगा। वो लोग आपस में अपनी बातें करते ही रहते हैं और उन लोगों को पता ही नहीं कि ईशान ये सारी बातें सुन रहा है। और फिर क्या था, ये सब सुनने के बाद ईशान के पैरों तले जमीन हिल जाती है। उसे यकीन ही नहीं आता कि उसके निशि काका और राव साहेब इस तरह की हरकत कर सकते हैं। उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं आता कि सभी को नीचे दिखाने के लिए, उसे बेइज्जत करने के लिए इन्होंने इतनी घटिया हरकत की है। और साथ ही साथ चिन्मय भी वहाँ पर आ जाता है और चिन्मय जो है ईशान को समझाता है कि मुझे पहले ही पता था कि इस सब के पीछे राव साहेब कहीं ना कहीं राव साहेब का ही हाथ होगा और देख ले आज यहाँ पर तेरे राव साहेब और तेरे निशि काका की हकीकत यही है। मुझे पता था कि ये लोग गिरे हुए है लेकिन आज तो इन्होंने सारी हदें पार कर दी है। चिन्मय कहता है कि ये सब देखने के बाद भी तू सभी का साथ नहीं देगा। चिन्मय कहता है कि अब तो अपनी आंखों पर बंदी पट्टी को उतार और तुझे ये बात माननी ही पड़ेगी कि सभी तेरे लिए क्या है और वो तुझसे कितना प्यार करती है। अब तो तुझे पता ही लग गया है कि सभी बेकसूर है, फिर भी तू उसका साथ नहीं देगा तो वो बेचारी क्या करेंगी। ये सब देखने के बाद ईशान को बहुत बड़ा झटका लगा है, उसे यकीन नहीं हो रहा कि उसके राव साहब उसके साथ ऐसा कर सकते है। और इसके बाद यहाँ पर ईशान चिन्मय से कहता है कि दादा आप टेंशन मत लो, मैंने जो कुछ भी किया है अभी तक गलत किया है लेकिन अब मैं जो है सब सही कर दूंगा। वेल दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सभी को इंसाफ दिलाने के लिए अब ईशान राव साहेब को सजा दिलवाएगा या नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताना। चाहते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।